कतरा रही है, ये बहुत बड़ी सच्चाई की जीत है। दिल्ली के देश के ईमानदार लोगों की जीत है, सत्यमेव जयते। धन्यवाद। आपके पास प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे बड़ी क्लीन चिट तो हो ही नहीं सकती कि आपने, देखिए वो स्टेज भी होती है जब सीबीआई किसी को चार्जशीट में नाम डाल दे और जज साहब कह दें कि नहीं इसके ऊपर आरोप नहीं बनते, मैं इनको यहीं से डिस्चार्ज करता हूं, वो तो दूसरी स्टेज होती है। ये तो उस स्टेज से पहले प्रोसिक्यूशन जिसके अंदर आरोप तय करता है, प्रोसिक्यूशन जिसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो 10,000 पन्नों की चार्जशीट दे रही है, कोई 2-4 पन्नों की चार्जशीट नहीं है, 10,000 पन्नों की चार्जशीट है। उसमें इनके पास सरकार को इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का तथाकथित करीबी है, वो इनका सरकारी गवाह है। और वो सरकारी गवाह भी ये बात नहीं कह रहा कि मनीष सिसोदिया जी ने कोई भ्रष्टाचार किया है। ये बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि इस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को जो एक क्लीन चिट मिली है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े मामले के अंदर इतनी बुरी हार केंद्र सरकार की कभी हुई। देखिए ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर होती है, पीएमएलए, और पीएमएलए में अपने पे, अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं होता, किसी और धारा में, किसी और सेक्शन में या किसी और एक्ट में जो ऑफेंस होता है उसका सेकेंडरी ऑफेंस, उस पर डिपेंडेंट ऑफेंस जो है वो ईडी में बनता है। उसके लिए ईडी के अंदर किसी ऑफेंस को बनाने के लिए प्रेडिकेट ऑफेंस होना जरूरी है, यानी कि सीबीआई के अंदर उनके खिलाफ कोई चीज होनी चाहिए जिसके अंदर ईडी फिर मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल ढूंढती है। या प्रेडिकेट ऑफेंस के अंदर ही केस गिर गया और मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई चार्ज दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में ईडी के लिए ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक होगा, गैर कानूनी होगा अगर वो मनीष सिसोदिया जी को इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। धन्यवाद। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा एमसीडी चुनाव एक नेगेटिव एजेंडे के ऊपर चल रहा था। उनकी 6 महीने से जो उनका एजेंडा था सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप, सुबह 9:30 बजे से झूठे आरोप लगाने शुरू करो, मनीष सिसोदिया जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो, उनको बदनाम करो। आज ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया है, आरएसएस के लोगों ने उनको रिपोर्ट दे दी है कि आपका ये नेगेटिव एजेंडा दिल्ली में नहीं चल रहा, लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले 15 दिनों से डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूं अपने काउंसलर के कैंडिडेट्स के लिए, कम से कम 150 सभाएं मैं अब तक कर चुका हूं, एक सभा में किसी आदमी ने इसके बारे में मेरे से चर्चा नहीं की, एक सभा में। लोग ये बात समझते हैं कि ये पॉलिटिकल बयानबाजी है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की बयानबाजी भी खत्म हो जाएगी। अब थक हार के भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब कोई पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी, एमसीडी के अंदर कोई सकारात्मक एजेंडा लाना पड़ेगा, इसीलिए अपने पुराने 2017 के एजेंडे को, क्योंकि समय नहीं है अब, इसीलिए 2017 के एजेंडे को ही ऊपर नीचे करके उसके अंदर सेंटेंसेस को, वाक्यों को आगे पीछे करके उसी एजेंडे को रीपैकेज करके लेके आएंगे। मेरे को पूरी इसकी जानकारी है, वही 2017 का एजेंडा आप देखिएगा, आपको दोबारा 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा, बट नाम बदल जाएगा। कभी ये विश्वास पत्र बोलते हैं, कभी उसको ये संकल्प पत्र बोलते हैं, कभी उसको ये शपथ पत्र बोलते हैं, मगर है वो
बेसिकली एक झूठ का पुलिंदा जिससे कोई उनका लेना देना नहीं। देखिए एलजी अपने आप में कोई शख्सियत नहीं है, वे तो वही करेंगे जो उनको केंद्र सरकार कहेगी, और वो कोई खौफ कोई 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 खास ब्यूरोक्रेसी का उनका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पब्लिक लाइफ का उनका एक्सपीरियंस नहीं है,